अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज मैं आपको बताऊंगा YouTube ऑटोमेशन के बारे में। बहुत से ऐसे लोग जो YouTube ऑटोमेशन करना चाहते हैं, क्या उनको करनी चाहिए? इसके अंदर मैं आपको रियलिटी भी बताऊंगा, इसके बेनिफिट भी बताऊंगा, इसके नुकसान भी बताऊंगा। ऐसे लोग जो YouTube ऑटोमेशन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतर ये चीज़ है कि सबसे पहले वो अपना YouTube चैनल बनाएं। अगर उनको एक्सपीरियंस है, पहले से YouTube चैनल उन्होंने बनाया है पाकिस्तान के लिए, तो उनको पता होगा कैसे इसको चलाना है, टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, और मुकम्मल इनको पता होगा कैसे चैनल को ग्रो किया जाता है। अगर कोई भी YouTube ऑटोमेशन करता है, YouTube ऑटोमेशन का मतलब है कि आपने एक YouTube चैनल बनाया, उसके लिए आपने एक टीम को हायर किया, AI टूल्स की मदद से आपने डेटा लेना है, जैसे कि कंटेंट लिखवाना है, आपने AI से ही सारी चीज़ें जनरेट करनी होती है, इसके लिए आपको टीम हायर करनी पड़ती है। ये समझ लें YouTube ऑटोमेशन है, एक टीम को बनाना, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना, आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आप YouTube ऑटोमेशन करते हैं, आप बिल्कुल इस काम में नए हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप नए हैं या पुराने हैं, आपको इन्वेस्टमेंट लाजमी चाहिए। अगर आप पेड टूल्स लेते हैं, उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप टीम हायर करते हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइन करता है, वीडियो एडिटिंग करता है, कंटेंट लिखता है, वॉइस ओवर करता है, इन सब लोगों को भी आपको पे करना पड़ेगा। हर चीज़ की एक कीमत होती है। उसके बाद अगर आपका यूट्यूब चैनल चल जाता है, तो अर्निंग अच्छी खासी होती है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी कॉन्टेंट है वो USA के लिए बनाया जाता है, वहाँ के जब लोग देखते हैं तो अर्निंग भी ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तानी चैनल्स के मुकाबले में USA के चैनल्स की अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको YouTube ऑटोमेशन करनी चाहिए, चाहे आपके पास इन्वेस्टमेंट है नहीं है। सबसे पहले बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना खुद का कोई भी YouTube चैनल बनाएं पाकिस्तान के लिए, उसके ऊपर वर्क करें, उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, सिर्फ आपका टाइम लगेगा, जो उसके ऊपर आप टाइम स्पेंड करेंगे वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो आपको पता चलेगा चैनल कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कितना टाइम लगता है। जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए, तो मेरा पहला चैनल 6 से 7 महीने के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू देने लग गया था, और दूसरा चैनल मैंने USA के लिए बनाया, वो भी उसको तकरीबन 6 से 7 महीने लगे, यानी कि इतना टाइम लग जाता है। वो भी तब लगता है जब आप रेगुलर वीडियोज़ बनाते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपने कोई YouTube चैनल बनाया, YouTube ऑटोमेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपने एक चैनल बना तो लिया, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। फ़र्ज़ करें वो चैनल नहीं चलता, वो ग्रो नहीं होता, तो उसके बाद क्या होगा? आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। इसकी बजाय अगर आप खुद अपना चैनल बनाते हैं, इसके ऊपर कॉन्टेंट लिखते हैं, मेहनत करते हैं, और चैनल ग्रो हो जाता है, तो समझिए जितनी भी इनकम होगी वो आपकी होगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। सबसे ज़्यादा यूट्यूब में लोग डिसहार्ट हो जाते हैं इस वजह से कि वो देखते हैं जब उनके व्यूज़ नहीं आते, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं होते, तो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। ये वजह है कि लोग इसको छोड़ जाते हैं। हालांकि ये ऐसा काम है, आपको साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। आप जितने भी चैनल देखेंगे जो अब कामयाब हैं, उनको बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं, उन्होंने काम नहीं छोड़ा। वो एक अलग बात है, कोई आज चैनल बनाता है उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप कंटेंट बनाते रहते हैं, मेहनत करते हैं, और ये सोच के चैनल बनाते हैं कि इसको आपने लाइफ टाइम लेकर चलना है, फिर ही आप कामयाब होंगे। यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल बनाने का क्या फ़ायदा है? अगर आप अपना चैनल बनाते हैं किसी इन्वेस्टमेंट के बगैर, तो आपको क्या बेनिफिट है? तो उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।